बाघासर थाना क्षेत्र के सारला गांव में स्कूली बच्चों से भरा एक ट्रोला अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए, वहीं चार बच्चों की गंभीर स्थिति के चलते उनका सीएचसी में प्राथमिक उपचार कर बाड़मेर जिला अस्पताल में रेफर किया गया। सूचना पर बाघासर पुलिस और सेड़वा उपखंड अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जानकारी ली। सेड़वा से ताज मोहम्मद की रिपोर्ट। बाघासर थाना क्षेत्र के सारला गांव में शनिवार को स्कूली बच्चों से भरा एक ट्रोला अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। इस हादसे में करीब दर्जन भर बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल बच्चों को ट्रोले से निकालकर पुलिस एवं 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी गई, जिसके बाद एम्बुलेंस की सहायता से घायल स्कूली बच्चों को सेड़वा के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ उनका उपचार शुरू हुआ। घटना की सूचना पर पहुंची बाघासर थाना पुलिस और सेवा उपकरण अधिकारी ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर स्थानीय ग्रामीणों से हादसे की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सारला में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद ट्रोले में सवार होकर अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। इस दौरान चालक अचानक ट्रोले पर से अपना नियंत्रण खो बैठा, जिससे स्कूली बच्चों से भरा ट्रोला पलट गया, जिसमें सवार 12 बच्चे घायल हो गए। इन 12 बच्चों में से 8 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज सेड़वा के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए बाड़मेर के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने सड़क हादसे का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।